नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया का खास कार्यक्रम आवाज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे पर जो आज हाईली डिस्कस्ड टॉपिक है पूरे ग्लोबल लेवल पे। आज हम बात करने वाले हैं कि अफगानिस्तान एक कंट्री जिस पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है, और कब्जा करने के बाद तमाम तरीके की चीजें डेली अपडेट्स निकल कर सामने आ रहे हैं। एक तरफ तालिबान कहता है कि वो सेफ पैसेज देगा लोगों को, वहां से निकलने के लिए कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ वो कहता है कि नहीं, आप इस तरीके से नहीं जा सकते। वो तमाम बंदिशों की बात भी कर रहा है। एक तरफ वो कहता है कि महिलाओं को पूरे अधिकार दिए जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ तस्वीरें कुछ और नजर आती हैं। तो ऐसे ही तमाम अलग अलग मुद्दे हैं कि किस तरीके से इसका भारत में क्या इंपैक्ट देखने को मिलेगा, और इसके साथ ही ये पाकिस्तान क्यों सेलिब्रेट कर रहा है, चाइना क्यों सेलिब्रेट कर रहा है इस चीज को। इसके अलावा भारत में जो कुछ तालिबानी प्रेमी लोग बैठे हुए हैं उनका कैसे हम चिन्हित करेंगे, इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए आज मेरे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब। साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। सर सबसे पहला क्वेश्चन, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू सर, बहुत प्लेन और सिंपल। सर सारी चीजें हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, पाकिस्तान और चाइना जैसी कंट्री इसको सेलिब्रेट क्यों कर रही हैं? एक आतंकवाद का जो पूरा एक संगठन है उसने एक पूरे देश पर कब्जा कर लिया है, टेक ओवर कर लिया है। अब ऐसे में दो कंट्रीज चाइना और पाकिस्तान, व्हाई आर दे सेलिब्रेटिंग सर? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बैकग्राउंड समझा दूं। आतंकवाद का समर्थन सभी करते हैं, यहाँ तक कि अमेरिका ने भी किया है, उन्होंने भी इनको बताया। हमने कभी पाकिस्तान को आतंकवादी बोला ही नहीं है, इंडिया ने भी कभी नहीं डिक्लेयर किया, ना अमेरिका ने डिक्लेयर किया है। मुँह से इधर कुछ बोलते हैं, मतलब क्या राइट भी बोलते हैं, लेफ्ट भी बोलते हैं, वाइट भी बोलते हैं, ब्लैक भी बोलते हैं, इससे काम नहीं चलता। जहाँ पे कंट्रीज का फायदा होता है उससे फ़ायदा उठाते हैं, जिससे फ़ायदा नहीं होता उसको ब्लडी आतंकवाद कहते हैं। ये है गेम सारा का सारा, किसी की पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी क्लियर नहीं है। और दूसरी बात मैं बता दूं, पॉलिसीज अपने देश के हित में चलती हैं, आपके देश में जो हित है वो कही जाती हैं। इसमें पाप पुण्य, बैड गुड, ची पीठ में छुरा भोंकना, धोखा देना, ये सब कोई मायने नहीं रखता। तो इस समय चीन और पाकिस्तान इसलिए खुश हैं कि उनको भारत को नीचा दिखाना है, तो भारत को जिस तरीके से नीचा दिखा सके उसके लिए वो खुशी है उनके लिए। ये उनकी फॉरेन पॉलिसी है। ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स तो आप सुन ही चुके हैं, चाइना जो कर रहा है आप सुन ही चुके हैं। तो इसलिए ये आतंकवाद का सहारा देने अगर देना पड़ रहा है उनको, वहां पे उनको समर्थन करना पड़ रहा है, वो करेंगे। और अब आगे देखेंगे किस तरीके से भारत को और नुकसान हो। सर आपने जो स्टेटमेंट दिया इसमें कहीं ना कहीं ये था कि कंट्री अपना स्वार्थ देखती हैं, जैसे अमेरिका। सर अमेरिका ने अपने ट्रूप्स भेजे, अपनी सेना भेजी, तमाम बंदूकें, असला, सब कुछ भेजा वहां पर, इतने साल 20 साल तक वहां पर रहे। अब कह रहे हैं कि वो उनकी मदद थोड़ी ना कर रहे थे, वो नेशन बिल्डिंग नहीं कर रहे थे, वो अपने आप की सेफ्टी देख रहे थे, और उनका जो मकसद था वो ओसामा बिन लादेन को मारना था, वो मार चुके हैं दशक पहले, अब उन्होंने इसलिए वापस बुला लिया। सर ये कितना गलत स्टेटमेंट आप इसको समझते हैं? मतलब ये बराती शादी में गए थे और शादी के 20 साल बाद वापस घर लौट रहे हैं, मतलब ससुराली में बैठे रहे, ये क्या मतलब है? ये 20 साल क्यों बैठे? ये अपना फ़ायदा उठा रहे थे इस एरिया को कंट्रोल करने के लिए कि चाइना का आधिपत्य ना हो, और दूसरा ये खनिज पदार्थ एरिया बड़ा रिच है। अब वो किस तरीके से उसका फ़ायदा उठाते ना उठाते, फेल हो गए नहीं हुए, वो दूसरी बात है। और तीसरी बात है, सबसे ज़्यादा आर्मामेंट सेल अमेरिका का हुआ है अफगानिस्तान के बाद, उससे ज़्यादा हुआ था इराक में, $2.2 बिलियन का प्रॉफिट हुआ था। यहाँ पे बैठ के ये करते हैं, और नेटो कंट्रीज क्यों घुस रही हैं? नेटो कंट्री कहती है हम नॉर्थ ईस्ट अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, अब हम एंटी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनेगी। हमने तो मजाक में ये कह दिया था आफ्टर एंटी टेररिस्ट ये प्रो टूरिस्ट ना बन जाएं। ये कहने का मतलब है कि इनका कोई, ये सिर्फ अपने आर्मामेंट सेल्स की, जितने नेटो कंट्रीज हैं यूरोप की, वो चाहते हैं उनकी आर्मामेंट इंडस्ट्री के सेल्स सबसे ज़्यादा हो, और उनके और अमेरिका में बीच में संघर्ष चल रहा है। तो ये सारा इंटरनल मामला चल रहा है, और इन्होंने कुछ फ़ायदा नहीं उठाया, जो तालिबान को कुछ फ़ायदा नहीं की उनका किया, तालिबान को हटाया, बैठे रहे, अफगानिस्तान को उन्होंने ताकतवर बनाने की कोशिश की, पर कभी उनको लड़ने की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी। हम ट्रेनिंग दे चुके हैं अफगानिस्तान को, हम अफसर्स को जानते हैं, यहाँ तक कि अफगानिस्तान के कोई जो लोग पहले आए थे हमारी पैदाइश से पहले, वो एयरफोर्स, हम इंडियन एयरफोर्स में भी थे, इंडियन आर्मी में भी, हमारा इंस्ट्रक्टर एक अफगानी था, विंग कमांडर अमानुल्ला खान रॉयल फैमिली से, वो सब यही बताते थे कि ये जितने अमेरिकन घुसे हुए हैं ये सिर्फ अपना फ़ायदा उठाने के लिए घुसे हैं, और जब फ़ायदा उनका पूरा हो जाएगा
या उनको फिर पॉलिटिकली पॉसिबल नहीं होगा, जो बाइडेन की गवर्नमेंट आ गई है और ट्रंप चला गया है, इसीलिए वो खाली करके जा रहे हैं। तो उन्होंने अपना कुछ फ़ायदा, अपना ही फ़ायदा देखा, और आप ठीक कहते हैं, अपने फायदा देखने के लिए गधे को बाप बनाना पड़ा है, टेररिस्ट को पंडित बनाने की बात आ जाती है, वो कर देंगे। सर, ऑफिशियल फिगर्स की बात करूं, अमेरिका ऑफिशियल फिगर्स दिखाता है कि उन्होंने इतने बिलियन डॉलर्स खर्च किए अफगान सेना को ताकतवर बनाने में। बिल्कुल किए, मानता हूं, वो सब पड़े हुए हैं, पर अफगान सेना को देने के लिए पैसा कहां से आया? अपने जेब से थोड़ी दिया, अफगानिस्तानियों से निकाला पैसा। सर, जब इतना पैसा खर्च किया गया, फिर उन्होंने घुटने क्यों टेक दिए सर तालिबानियों के सामने? सर, अब घुटने उन्होंने इसलिए टेक दिए, अफगानिस्तान और आप तालिबान को देख लीजिए, 80% तो फैक्शन तो वही अफगानिस्तानी हैं, सबके सब, कईयों के रिश्तेदार होंगे अफगान आर्मी में, कईयों के रिश्तेदार होंगे यहाँ, तो आप उनको गीता का उपदेश तो दे नहीं सकते जो अर्जुन को दिया था, ये अपनी ड्यूटी करो और ये करो, ये तो कुछ बात नहीं हो बनेगी, सब अपना आप देखते हैं, मेरा चाचा ताया भतीजा सब देखते हैं, वही बात हो गई। एक तो ये पूरी बात, एक तो ये बात है, इसलिए वो लड़ने को तैयार नहीं। दूसरा, अभी पक्का इसका प्रूफ नहीं आया है, सुनने में आया है अमेरिका चाहता था कि ये एरिया के वो खाली करके जाएं, क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर उनके पर इतना है, और खाली करने के लिए उन्होंने अफगानिस्तान आर्मी को कह दिया था तुम आपस में तालमेल करके समझौता कर लो। अफगान आर्मी को यही पसंद था कि लड़ना ना पड़े, क्योंकि वो अपने बंदे से लड़ाई नहीं करना चाहते, और इन्होंने इसलिए लड़ाई करी नहीं। 3,00,000 vs 70,000 और, yeah, exactly, और ये इतना ही था, एक बड़ा 6 का रेशो था, वो पूरा बिल्कुल हार गए, और बड़े अच्छे इक्विपमेंट रह गए हैं, सब कुछ था, पर एक बात बता दूं, उनकी फाइटिंग ट्रेनिंग पूरी नहीं थी, बाकी सब कुछ एक था, देखने में वो सब स्टाइलिश लगते थे, बिल्कुल कर दिया था, गॉगल्स भी लगाने शुरू कर दिए थे, यहाँ पे टैटू भी लगाते थे, बुंदे बुंदे भी, और उनके सामने कुर्ता पजामा पहन के AK-47 लेते नहीं, मतलब ये बॉर्डर तो थे, पर उन्होंने कुछ किया नहीं, मतलब लेट डाउन किया। ये दो रीजंस नजर आते, पहला रीजन दूसरा जो बताया वो एलेज्ड है, हमको भी पता चला है, पर इसका कोई प्रूफ नहीं आया है, पर यही रीजन है, वो लड़ना नहीं चाहते थे, उनके मोटिवेशन नहीं थी, और दूसरी बात है, उनको ये बता दिया गया था ISIS ने, अगर तुमने ज़्यादा इनकी खिलाफत की तो तुम्हारी अगली नस्लें हैं बर्बाद कर दी जाएंगी, और वो डर गए, उन्होंने कहा कि बाकी इस्लामिक कंट्रीज जो इस्लामिक रेडिकल फैक्शन थे हमारे खिलाफ हो जाएंगे, उन्होंने लड़ाई बंद कर दी। और बिल्कुल सर, और उनका प्रेसिडेंट है वो भी छोड़ के भाग गया, और सब लीडरशिप UAE में मिले, जब लीडरशिप चली गई और मिलिट्री लीडरशिप रेडी नहीं है, नॉर्मल जो प्यादा होता है वो कुछ नहीं कर सकता। लीडरशिप वीक थी सर, ये कारण भी हो सकता है। बहुत बिल्कुल, ये कारण मेजर कारण है, अगर लीडर होता तो वो खड़ा करता, लीड करता। ये बात है, जब लीडर बन जाता है उसको हुकूमत करनी आती नहीं है, आप इतनी बड़ी आर्मी के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, आपको राइफल और बैनेट में फर्क नहीं नजर आता, तो फिर आप क्या लीडर बनेंगे? जी सर, सर एक ऐसा दौर आ चुका है, हम किसी भी आशंका से इंकार नहीं कर सकते, तो अगला सवाल सर ये है, मेरा खुद का सवाल है सर, ये पर्सनल लेवल पे, आपको ऐसा लगता है सर कि कई दफा ऐसी बातें खुलकर सामने आती हैं कि अमेरिका ने ही सारी जो ये जो डिसबैलेंस दिख रहा है, अमेरिका ही क्रिएट कर चुका है, क्योंकि तालिब जो लोग थे, जो तालिबान बना बाद में, इसको अमेरिका ने ही पहले बैक किया इसको। ये बता देता हूँ, अब जब रशिया था वहां पे, हाँ बिल्कुल, सोवियत यूनियन था, ये तालिब जो थे जिनको कि स्टूडेंट होते हैं, ये सिविल वॉर में, ये जो उससे पहले सिविल वॉर हो रही थी उसमें ये मॉडर्नाइज हो गए थे, वेपन कैरी एबिलिटी आ गई थी, और अमेरिका ने इनको फाइनेंस दिया, UAE ने, सऊदी अरेबिया ने सपोर्ट दिया, पाकिस्तान ने इनको पाला और इनको फिर तैयार किया, जैसे अब शिकारी कुत्ते को तैयार करते हैं, वो तैयार करके जो अब खूंखार तो बना दिया, अब वो तो उन्होंने रशिया को तो निकाल दिया, अब उसके बाद क्या हुआ, आज के बाद जब आपस में फैक्शन में लड़ाई होनी शुरू हो गई पाकिस्तानियों के साथ में, पाकिस्तानियों के साथ में हमला कर रहे हैं, तो नेटो की बेस के ऊपर हमला हो गया, नेटो ने इन पर हमला किया, तो आपस में संघर्ष चल गया, इसलिए ये प्रॉब्लम अमेरिका के साथ हुई, फिर अमेरिका ने फिर तालिबान को निकालना पड़ा, और तालिबान को निकाल के अफगान गवर्नमेंट बनानी पड़ी, तो ये अपने बंदे को जिसको बनाया था उसको निकाल, ओसामा बिन लादेन की तरह, ओसामा बिन लादेन की तरह उसको खत्म कर दिया। जी जी बिल्कुल सर, मेरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि आपको ऐसा लगता है कि तालिबान को अमेरिका ने पाला पोसा बड़ा किया, अब वो उसको अलग हट गया उससे कि ठीक है आप देश पर कब्जा कर लिया, ठीक है दूर से देख रहा है,
आपको ऐसा लगता है कि सर अमेरिका इस चीज में भी बैठा हो सकता है, उसके दिमाग में ये चीज भी चल रही होती है कि अभी तालिबानियों ने अफगानिस्तान में कब्जा किया है, फिर ये बाकी तमाम देश हैं जिस तरीके से इराक ईरान हर जगह सर यही स्थिति है सर, डिसबैलेंस हर जगह हो चुका है सर, सीरिया वीरिया जितने भी मुस्लिम देश की मैं बात करूं, इस्लामिक कंट्रीज की बात करूं, पूरा जितना भी मिडिल ईस्ट है सर एक तरह से जल ही रहा है। तो आपको ऐसा लगता है कि सर तालिबान के जरिए जब तालिबान एक लेवल तक पहुंच जाएगा कब्जा करने के, तब अमेरिका लास्ट में तब काउंटर करेगा और फिर जो उसका मेन मकसद है, आप समझ रहे हैं मैं कहां जा रहा हूं, जो उसका मेन मकसद है उस पर वो मेन मकसद करेगा। का मतलब क्या है? मैं तेल की बात कर रहा हूं। तो तेल तो उसका था मकसद शुरू से वही सर, और अब उसके रेयर अर्थ है, सब कुछ है, सारा है, और उससे ज्यादा है स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ अफगानिस्तान। आपको पता होना चाहिए आज से 300 साल पहले ग्रेट गेम स्टार्ट हो गई थी, ग्रेट गेम थी, रशिया और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में संघर्ष चल रहा था कि उस एरिया को कौन कंट्रोल करे। सिर्फ महाराजा रंजीत सिंह दो बार कॉन्कर कर चुका था, कोई सब फेल हो गए। फिर जब रशिया बीच में आया तो उसको तालिबान से निकलवाया गया, उसके बाद में और बीच में हमें ब्रिटिश ने बड़ा ट्राई किया, पूरी ब्रिगेड ब्रिटिश की हलाक हो गई थी, 9,000 लोग खत्म हो गए थे, एक डॉक्टर वापस आया था, ये भी हो चुका है। और मेरे ग्रैंडफादर ने तो वहाँ पे बॉर्डर पे सर्व किया है एज अ पॉलिटिकल एजेंट, उनको पता है सारा का सारा ये अफगान क्या होते हैं। तो एग्जैक्टली ये सारा का जो गेम था ये इस था, और ग्रेट गेम खत्म हो गया। अब तालिबान जो अब अफगानिस्तान में, फिर अमेरिका जो अब अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश कर रहा, पर अब चीन आ गया है। अब चीन देखना चाहता है कि मैं किस तरीके से घुसूं, क्योंकि अमेरिका मेरे को घुसने नहीं देना चाहता था, वो बड़ा खुश है अमेरिका निकल गया। अब चीन इसलिए अपने घुटने टेक कर तालिबान की मदद करना चाहता है। मैं घुटने टेक कर इसलिए बोल रहा हूँ, जिस जिसको चीन ने पैसे दिए हैं OBOR उसके कारण उसको डेट में, मैं अपने कर्जे में डाला है, पर इसको नहीं डाल सकेगा। क्यों? क्योंकि अगर तालिबान के आगे इसने जू चूचा की, उसने उसका उग्यार मुस्लिम का दरवाजा खोल देना है सारे के, और उग्यार मुस्लिम का बगावत शुरू करवा देनी है, वो चीन नहीं सह सकता। जिंग्यांग पूरा का जो एरिया है उसका है वो उग्यार मुस्लिम जहाँ पे है, उसलिए और OIC के और जो शंघाई कॉपरेशन के जितने संस्थाएं हैं सब उसके साथ हो जाएंगी, तब उसको चीन को बड़ा प्रॉब्लम खड़ी होगी। तो चीन इस समय हाथ जोड़ के काम कर रहा है, पर पाकिस्तान को काम करवाएगा। इस समय आप मान के चलिए कि चीन और पाकिस्तान दोनों इस समय तालिबान के दरबार में हैं, ये नहीं कि तालिबान पे हुकूमत कर रहे हैं, ये मत सोच लेना। नहीं सर मैं समझ रहा हूँ सर, ये लोग बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं। सर आपको ऐसा लगता है कि ट्रंप अगर होते आज राष्ट्रपति तो तस्वीर कुछ और हो सकती थी? क्योंकि बहुत लोग ये बातें कर रहे हैं सर कि ट्रंप होने चाहिए थे ट्रंप, और वेस्टर्न मीडिया जिस तरीके से हम लोगों ने देखा है, वेस्टर्न मीडिया तो ट्रंप के पीछे ही रहा, हमेशा उनके पीछे पड़ा रहा। जब हारा था लोगों ने तभी बोलना शुरू कर दिया था, क्योंकि तालिबान ये जो बाइडन चीन के बहुत फेवर में है, सुनने में आया कि उसकी फैमिली बिजनेस वगैरह भी वहीं थी, वो खैर वो तो आप अंदर की बात खुद निकाल के पता लगा लेंगे, क्वेश्चन हमने तो सुन के सुनने में आया, पर बेसिकली और ट्रंप होता तो इनको ऊपर नहीं उठने देता ट्रंप, ऐसी गलती नहीं करता ट्रंप बिल्कुल। ट्रंप सिर्फ देखने में और बात करने में मजाकिया लगता था, पर वो बड़ी सीरियस बात करता था और उसकी बात कई बार बड़ी भारी लगती थी, इसलिए लोगों को हजम नहीं होती। बिना डरे चाइनीज वायरस बोलता रहा था आखिरी तक, बोला आखिरी दम तक उसने बोला और अभी तक बोल रहा है, और पता नहीं फिर आ जाए वापस, तो यू नेवर नो। जी बिल्कुल सर। सर एक और चीज़ कि इंडिया का इसमें क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, जिस तरीके से तस्वीरें बदली हैं, अब पहले हम लोग आतंकवाद की कमर तोड़ने की बात करते थे, लेकिन हमारे मुल्क से जुड़ा एक और मुल्क वहां पर आतंकवाद ने पूरे देश पर कब्जा कर लिया है, और उससे सीमाएं किसकी जुड़ती हैं? चीन की और पाकिस्तान की, जिनसे हमारे रिश्ते जगजाहिर हैं कि कैसे हैं। अब ऐसे में भारत का इस पर क्या हम लोग असर देख सकते हैं? देखिए भारत पर असर आप क्लियरली देख रहे हैं। मैं पहले जाता हूँ चीन और पाकिस्तान का, जो टू फ्रंट वॉर की बात करते थे, दोनों जगह हमारा मनमुटाव चल रहा है, मिलिट्री एक्शन चल रहे हैं। चीन वेट कर रहा है कि बेसिकली अपना OBOR को, अपना जो पूरा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है उसको CPEC के थ्रू अफगानिस्तान में ले जाना चाहता है। उसके लिए उसको पाकिस्तान की मदद थी, अफगानिस्तान की मदद चाहिए थी। अफगानिस्तान की ऑलरेडी उसके झोली में आ गई है, मतलब अंधे के झोली में बटेर गिर गई है, तालिबान आ गया है। क्वेश्चन ये है POK अगर हमारा होता, आपने POK ले लिया होता, तो अभी तक ना तालिबान ना पाकिस्तान की फौजें मिल सकती थी, और भारत की फौज इस समय इंटरवीन कर गई होती। अगर हमारी पॉलिटिकल विल होती, मैं रिपीट कर रहा हूँ, पॉलिटिकल विल होती तो अब कर गई होती, और ये कहीं का नहीं रहते।
पर हमने वो गलती कर दी पीओके हमने नहीं लिया समय पर, तो हमको ये बड़ा भारी पड़ी वो मिस्टेक। नहीं तो आपकी फौजें अभी अंदर जा रही होती, अपने पूरे इंडियंस को लेके वापस आ रही होती, और उनको नहीं औरों को भी लेके वापस आ रही होती, पर वो नहीं हम कर पाए क्योंकि हमारे पास पीओके नहीं है। ये जो मिलिट्री ज्योग्राफी जिसको पता नहीं होती, वो मिलिट्री ज्योग्राफी में हम फेल हो गए, तो इसीलिए हमने ये सबक नहीं सीखा। अब चाइना तगड़ा हो गया है, चाइना इस समय अपना पूरा आधिपत्य जमाएगा, जो आप कह रहे हैं, अब भारत को खतरा ही खतरा है। देखिए अफगानिस्तान में पाकिस्तान बैठा और बैठ जाएगा, चीन में सारे के सारे बेसिस का इस्तेमाल करेंगे, जितने अफगानिस्तान के बेसिस है उसका इस्तेमाल करेंगे, पीओके में बेसिस चाइना इस्तेमाल करेगा, तो उसका सुखोई 27 वहाँ से भी टेक ऑफ करेगा और इधर से भी टेक ऑफ करेगा, हमारे ईस्ट से भी टेक ऑफ करेगा, हमारे वेस्ट से भी टेक ऑफ करेगा, उसको क्या प्रॉब्लम है, वो तो बिल्कुल फिर। और कारकोरम हाईवे आपका 24/7 तो पाकिस्तान को कनेक्ट कर रहा है, आलमाटा से लेके वो नीचे से लेके क्या कहते हैं गोदार पोर्ट तक, बिल्कुल प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। हमने बलोच को नहीं अभी उकसाया, बलोच को पंजशीर और बल्ख के लोगों से मिलाते तो अभी देखिए फिर तालिबान पे प्रेशर पड़ जाएगा। अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे कि ये क्या करना चाहिए, ये होना चाहिए समय। आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया पीओके को लेकर कि पीओके अगर होता तो हम ये जो कनेक्शन था इसको तोड़ सकते थे। इसके साथ ही सर एक और चीज़ है कि चाइना अपने चापलूसों की बदौलत, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ सर, पाकिस्तान को आपने डेप ट्रैप की भी बात करी, ये बहुत बड़ा डेप ट्रैप है जो चाइना खेल रहा है। अभी पाकिस्तान को भी पैसा दिए जा रहा है, भीख दिए जा रहा है, इसके साथ ही सिंगापुर बाकी तमाम कंट्रीज को भी इसने दिया है, डेवलपिंग बनाया है, और अब जब पैसा देने की बात आती तो वो दे नहीं पाते, तभी उनके ऊपर आधिपत्य जमा लेता है। तो अब पाकिस्तान की भी स्थिति वही हो सकती है इन फ्यूचर, हम देख सकते हैं, वो क्यों नहीं देख पा रहे सर? कौन नहीं देख पा? पाकिस्तान देख रहे हैं, उनको सबको पता है, आप उनके कॉरेस्पॉन्डेंट से बात करिए, आप उनको टीवी पे बात करिए, वो जो आप क्या कहते हैं नजम सेठी से बात करिए, वो आपको बताएंगे, बाकी लोग बताएंगे, इनको पता है इनका देश कर दे पता है। बट जो जिनकी ब्रीफिंग पाकिस्तान की जो आईएसपीआर करती है, आईएसआई करती है, वो बारे डर के नहीं बोलते, पर अगर आप अलग से जाके बात करेंगे तो आपको सच बता देंगे। क्या मैं उनको ब्लेम नहीं करता, जो भी है जैसे भी है, वो यू कांट ब्लेम देम, वो बंदूक की नोक पे तो सब दब जाते हैं, तो ये तो है। पर फिर मैं बोल रहा हूँ, वो तालिबान को नहीं दबा सकेगा चाइना, तालिबान उसको घुटनों के बल काम कराएगा, और आप देख लेना तालिबान इतना शक्तिशाली हो चुका है। अरे शक्तिशाली क्यों है, मैं फिर बोल रहा हूँ, उग्यार का आपको मतलब है जो मुस्लिम हाँ, जिनके वो तो उत्पीड़न कर रहा हूँ, वो उसका दरवाजा खोल दिया और उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू करा दी अपने इस्लामिक कंट्रीज के थ्रू, तो चाइना का बिल्कुल सांस नहीं ले पाएगा चाइना, इसी मारे डर के चुप करके बैठा हुआ है। और फिर यहाँ सारे के सारे फिर ये अफगान फाइटर्स जो हैं, गुरिल्ला फाइटर्स होते हैं, इनके पूरे रोड्स तोड़ देंगे, रनवे तोड़ देंगे, हेलीपैड्स तोड़ देंगे, और बाढ़ आ जाएगी, डैम एग्जैक्टली सर आपने सही कहा, और अगर दो तीन बांध तोड़ दिए तो सारी की सारी घाटियां भर जाएंगी। छोटी सी संख्या के तालिब ने, जब स्टार्टिंग में तालिबान से पहले जो तालिब जो छात्र थे उन लोगों, उमर की बात कर रहा हूँ, मुल्ला उमर जो थे, अकेले अकेले गुरिल्ला वॉर करते थे सर, कितनी बड़ी सेनाओं को अकेले लोगों ने लड़ा भैया, तभी तो किसी ने कंट्री इनको फतेह नहीं कर पाई, सिर्फ महाराजा रंजीत सिंह ने किया था, जिसका वो लोहा मानते हैं और जिसकी मूर्तियां गिराने में पाकिस्तान में लगे हुए हैं, वो इसलिए कि उनका जलन होती है महाराजा रंजीत सिंह का नाम सुनते ही, उसकी छवि देखते ही उनके जो कंपकंपी आ जाती है। अभी भी हरी सिंह नलवा का नाम लो तो तालिबान में गाँव में लोग बच्चों को डराने के लिए कहते हैं कि नलवा आ गया, अभी भी कहते हैं वहां पर। हाँ तो ये है, अभी भी इतना खौफ है, शौर्य का तो इतिहास रहा है हमारा सर। पाकिस्तान और चाइना के आसपास जैसे कि आपने कहा कि छोटे छोटे बेस बनने लगे हैं, ये बेस इनको मैं आतंकियों की फैक्ट्री कहूंगा सर, ये आतंकी जो फैक्ट्रीज बनाई जा रही है पाकिस्तान के जो बॉर्डर्स हैं जो लगे हुए हैं अफगानिस्तान वगैरह उस साइड से, और चाइना की भी बात करूं बॉर्डर्स जो है वहां पर छोटे छोटे बंकर्स, छोटे छोटे बेसिस जहां पर आतंकवादियों को तैयार किया जा रहा है, सबको पता है सर, लेकिन इसके बावजूद कोई भी देश इस पर क्यों नहीं बोलता जब आतंकवादी प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, और हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हम नेतृत्व की बात करते हैं। आपको तो पता है पीओके में कहां से आ रहे हैं, बिल्कुल सर, तो फिर अभी तक क्यों नहीं किया? मैं तो कब से कह रहा हूँ टेलीविजन पे, कब से कह रहा हूँ, मैं तो बाल सफेद हो गए मेरे कहते कहते कि आप पीओके में इनके जहां से बैठे हैं, एक सर्जिकल स्ट्राइक से कुछ नहीं होता, अब तक तो 60-70 हो जानी चाहिए थी, आप एरिया को अटैक करिए, काबू में करिए और एडवांस शुरू करिए, हम कर नहीं रहे हैं, बैठे हैं, और कोई मुहूर्त पता नहीं कोई पंडित आके निकाल के देगा तो हम ये काम शुरू करेंगे। किस चीज की कमी है सर? पॉलिटिकल विल की कमी है? आप बताएं, आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं। मैं डिफेंस एक्सपर्ट हूं, मैं तो अब बता दूंगा आपको, आप बताइए डिफेंस पॉलिटिकल विल के बिना काम कर सकता है? नहीं सर। तो फिर
बिल्कुल पॉलिटिकल विल अगर होती तो कब का कर गए होते। पॉलिटिकल विल थी तो बालाकोट हुआ, पॉलिटिकल विल थी तो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, पॉलिटिकल विल थी तो 370 हटा। 370 का पता था आपको? आपको पता था कि रोशनी एक्ट क्या होता है? नहीं पता था, अभी भी नहीं पता। तो मैं बताऊं रोशनी एक्ट, और आपके टेलीविजन में बता देता हूं, रोशनी एक्ट वो एक्ट है जिसके तहत आपका इस्लाम तबके के लोग, कश्मीर के इस्लाम तबके के लोग कोई भी गवर्नमेंट की लैंड के ऊपर अधिकार कर सकते थे, कोई 300-400 रुपए का हर्जाना भर के, जिसके ऊपर केस अभी भी उनके एक्स चीफ मिनिस्टर, क्या नाम है, मोहम्मद शेख अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला का फादर फारूक अब्दुल्ला अभी भी चल रहा है, और सिमिलर केसेस बहुत चल रहे हैं। कहने का मतलब है अंधेर नगरी चौपट राजा, हमको अंधेर में रखा। अभी तक आपको पता है कि कश्मीरी पंडितों को हटाया, अभी तक अफगान की औरतों के हम रो रहे हैं, हमारी 1500 औरतों के ब्रेस्ट काटे गए, रेप किया गया, 6-6 महीने तक ये कहते गए अपनी औरतों को छोड़ के चले जाइए। वहाँ का हम रिपीट करें जो अफगानिस्तान में बोल रहे हैं, अपना कोई नहीं रिपीट कर रहा। आपने अभी तक भी किसी से पूछा FIR कितने लॉन्च हुए हैं कश्मीर में, क्या हुआ है अभी तक कश्मीरी पंडितों का, कोई बात नहीं करता। कमजोरी हमारी पॉलिटिकल में इसलिए कमजोर है कि भारतवासी कमजोर है। 370 हटा के सर अब कहा जा रहा है कि आप वापस जा, धीरे धीरे ताकतवर बन रहे हैं, अब धीरे धीरे एक शक्तिशाली पुरुष आया है जो हमारे को जागरूकता ला रहा है, जो हमारे को अपनी हैसियत भारतवासी होता क्या है वो बता रहा है, अब अहंकार, अब अपना जो आत्मविश्वास पैदा कर रहा है, तब हमारे को ये बात हुई है। तो इसीलिए उससे इतना घबराते हैं, मैं जिसका नाम ले रहा हूँ, इसलिए क्यों घबराते हैं, क्योंकि उसको देख के उनके कपकपी आ जाती है, उनको पता नहीं अगला क्या कर देगा। पाकिस्तान और चाइना का तो डीपेस्ट ऑब्सेशन ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं सर, उन्हीं को होएगा ही, जो अक्लमंद तो है कम से कम अपने दुश्मन को तो जानते हैं कि क्या है, मेरा जो दुश्मन होगा तो मेरी नजर उस पर ही रहेगी, तो मोदी से तो क्यों नहीं घबराएंगे। मैं इसलिए थोड़ी कह रहा हूँ कि मैं आपको बीजेपी में हूँ, कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ, पर ये तो नजर आता सामने। मेरे को जब पता चला ये रोशनी एक्ट क्या है, मैंने तो जूता मार कर निकाल के अपने सिर पे मारना चाहा कि मैं, कि मेरी उम्र निकल गई है मुझे नहीं पता था, और मैं कश्मीर में सर्व करके आया हूँ मुझे नहीं पता था, और मैं स्पोक्स पर्सन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रहा हूँ मुझे नहीं पता था। मैं हैरान रह गया कि मैं इतना निकम्मा कैसे रहा। सर आपका गुस्सा जाहिर है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इस तरीके से है कि एक्टिविस्ट जो होते हैं, चाहे मैं उनको एनिमल एक्टिविस्ट की बात कर लूँ या ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट की बात कर लूँ या फिर इक्वालिटी जो एक्टिविस्ट के लिए लड़ते हैं उनकी बात कर लूँ, फेमिनिज्म एक्टिविस्ट जो होते हैं उनकी बात कर लूँ, ये एक्टिविस्ट जो होते हैं सर ये एक पेशा बन चुका है, इसमें खूब फंडिंग, खूब पैसा, सब कुछ होता है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आज के सिनेरियो में ये ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट कहाँ हैं सर, कहाँ छिप कर बैठे हुए हैं सर, कहीं भी नजर नहीं आते सर। बड़ी पते की बात करी, ये इनको बड़ा फंडिंग हो रही है सर, पेशा बन चुका, बिजनेस है सर, फंडिंग सर। मैं तो वेस्टर्न कंट्रीज की बात करता हूँ, तो अमेरिका की ही बात करता हूँ, तो सभी जो देश भारत के खिलाफ फंड कर रहा है, और ये सब एंग्लिसाइज्ड भाषा में, बिल्कुल सर, सूटेड बूटेड डेंटेड पेंटेड, नहीं सूटेड बूटेड हो या नहीं हो, जैसे भी कपड़े पहने, छोली लटकाई हुई है, फैंसी इंग्लिश बोलते हैं, यस सर, एग्जैक्टली, और हिंदू के नाम पे नाक सिकोड़ते हैं, अगर आप कह दो आप मंदिर गए थे तो उधर देखने लगते हैं। ये लोगों को पैसा आ रहा है बाहर से, और ये ही कर रहे हैं, इन्होंने ही ये सब कुछ छुपाए रखा, 370, ये रोशनी है, ये ही सबका मुंह चुप करा के बैठे रहते हैं, भारत टिकड़े तेरे टुकड़े होंगे, और वो इत्यादि इत्यादि, ये सारे वो लोग हैं। पर आपकी पॉलिटिकल वेल वही की वही है, क्योंकि आपको डेमोक्रेसी बड़ी पसंद है, मैं तो कहता हूँ सबको पसंद हो, बिल्कुल सर, पर डेमोक्रेसी इंडियन टाइप की डेमोक्रेसी में ये है कि जो मर्जी कोई कुछ देश के खिलाफ कह जाए आप कुछ नहीं करोगे, तो इसमें वो बड़ा फायदा उठा रहे हैं। बड़ा कंफ्यूजन हो गया सर, होता क्या है कि अब मोदी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते करते कब आप एक सीमा रेखा जो उसको लांग कर आप कब अपनी कंट्री को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, तो आपको कुछ समझ, पार्लियामेंट एक्ट होना चाहिए, आपको पहले कॉन्स्टिट्यूशन बदलना पड़ेगा, सबसे पहले आपको कॉन्स्टिट्यूशन बदलना पड़ेगा, अगर मेरे हाथ में सत्ता हो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन बदलूंगा सबसे, और उसके बाद में गवर्नेंस के जो प्रोसेस है, ये IAS का क्या रोल है, IPS का क्या रोल है, ये सब मेंशन होगा, किधर उनके दायरा क्या है, वर्किंग क्या है, ये थोड़ी है मेन संस्कृत आप बैठे हो और भिलाई स्टील प्लांट में आप जाके चेयरमैन बन जाओ, अब आपको बेसबर कन्वर्टर का बैक साइड नहीं पता, तो फिर ये मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सारे प्रोसेस चेंज होंगे, ये इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि आपकी ब्यूरोक्रेसी जम गई है,
जो स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया बोला जाता था वो इतना जम गया है अब नहीं हिल सकता, उसको हिलाने के लिए मोदी साहब को भी 7-8 साल लगेंगे। ब्यूरोक्रेसी के अंदर करप्शन भी बहुत ज्यादा हो गया सर। करप्शन तो होता ही है, डिफेंस डील में करप्शन क्यों होती है इतनी ज्यादा, क्यों 48 से लेके अभी तक करप्शन इसलिए होती है कि आप चाहते नहीं हो प्रोसेस चेंज हो, आप चाहते नहीं हो इंडियन मैन्युफैक्चरर अंदर आए, बाहर वाला आता है 6 बंदे आपके दरवाजे पर आपको खड़े होते हैं, आपको क्लब में ले जाते हैं, आपके कहते हैं साहब इतने मिलियन डॉलर ये वो है, पार्टी फंड ये तो होगा ये होगा जो भी होगा, मतलब सब खुश हैं, थैली आ गई है, आपको फाइल आगे करके साइन करना है। बिल्कुल सर, तभी तो स्कैंडल, आप डिफेंस स्कैंडल्स की बात होती है, तभी तो लास्ट और हेलीकॉप्टर स्कैंडल जो अभी जिसकी अभी बात खत्म हुई है वही इसी बात था, बोफर इस बात में था, जीप स्कैंडल इस बात में था, सेंचुरियन टैंक इस बात में थी, इवन जैगुआर में भी स्कैंडल था वो भी इस बात में था। ठीक है सर, सर आज के परिपेक्ष में बात करते हैं, आज खबरें आई कि तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट के नॉर्थ गेट से 150 लोगों को वहां से हटा लिया, वहां से अलग कर लिया। बाद में तालिबान कहता है कि नहीं उसने सुरक्षित रखा उन लोगों को, अंदर एयरपोर्ट के ले गए हैं वो सुरक्षित रख रहे हैं। किस बात कर रहे हैं, 150 लोग हमारे? बिल्कुल जी हमारे, जिसमें ज्यादातर हमारे हैं, भारी तबके के लोग। हाँ सर देखिए भारतीय तबके के लोग 150 अगर उन्होंने अगवा कर लिए हैं तो इस समय हमको उनको सुरक्षित रखना पड़ेगा जी सर, वो उनको हमें मेक श्योर कि वो सुरक्षित रहें, किस तरीके से वो सुरक्षित रहें ये देखना पड़ेगा, किस तरीके से उनको बचाव हो जाए ये सबको देखना पड़ेगा, ये जिम्मेवारी भारतवर्ष की है और डिप्लोमेसी की है। इस समय चाहे अमेरिका वगैरह मिलके जो भारत मिलके उनके साथ में संगठन बनाए या कुछ करे, अपने लोगों को पहले निकालना सबसे बड़ी इस समय ज़रूरत है, उसके बाद आप दूसरी ज़रूरतें पूरी करें। ठीक है सर, सर दर्शकों के लगातार एक ही सवाल आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी बात को लेकर क्रिएट हो रहा है कि तालिबान पर भरोसा करें या ना करें, क्योंकि कुछ लोग देश के अंदर ऐसे बैठे हुए हैं जो कह रहे हैं कि ये गुड बॉय तालिबान है, ये गुड वाला तालिबान है, गुड तालिबान बैड तालिबान क्या होता है सर? देखिए तालिबान के अंदर बड़े फैक्शन हैं, वो फैक्शन एक है, एक तालिबान को ये पता चल गया अगर लीडरशिप मेरे को अगर अफगानिस्तान में रूल करना है तो मेरे को कमिटी ऑफ नेशंस में बैठना पड़ेगा और जितनी ज्यादा मेरी डेवलपमेंट होगी मेरी उतनी ज्यादा सक्सेस मानी जाएगी, जितनी ज़्यादा भुखमरी होगी जितनी ज़्यादा गरीबी होगी उतना मेरे को लोग कहेंगे कि ये कहाँ से उठ के आ गया चरवाहा। तो इसके लिए आपको सबको देख मिल के आपको वो सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, किस तरीके से मैं अपने को उठा सकूं, तो इसीलिए जो वो चाहता है कि मैं एक रिस्पेक्टफुल प्रेसिडेंट के रूप में देखा जाऊँ, तो उसके लिए वो आपको उसको काम करने हैं, उसको पता है कि भारत से कोई अभी दुश्मनी नहीं है कोई नहीं, भारत ने इतना समावेश किया है $4 बिलियन का, तो कहते हैं हम उसने तो बोल दिया, पर उसके नीचे वाले जो हैं वो जो अलग हैं, उसके नीचे वाले कहते हैं हाँ लड़ाई का काम तो ठीक है पर आपको ये हम तो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है सिक्के हैं इनका इनको मारने की बात करेंगे, तभी हमारा उनका एक लीडर गया उनको आश्वासन दे के आया, पर ये भी हो रहा है तो अभी कि मतलब उनको अगवा भी किया जा रहा है। अब ये पता करना पड़ेगा अगवा उनको सेफ्टी के लिए किया है या किस लिए किया है, ये इसकी खबर नहीं आई है, उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं, इस पर टिप्पणी करना एक्चुअली ठीक नहीं होगा अंटिल एंड अनलेस वी गेट टू नो फर्मली कि उनको अगवा किस लिए किया। ठीक है, राइट न्यूज़ क्या है सर? एक और चीज़ कि आपने जिस तरीके से कहा कि जो टॉप लीडरशिप है वो जो बोल रही है वो ठीक है, लेकिन जो नीचे के जो लोग हैं वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, हायरार्की कैसे बनेगी, सिस्टम कैसे बन पाएगा? अगर नहीं बन पाएगा तो ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा? नहीं चलेगा, ऐसी ये कोई मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी है, अलग अलग ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन है, आपको नहीं पता कई कंट्रीज हैं जिनका नाम ही लेना चाहता, उनकी बड़े बुश फाइट्स होती हैं, ट्राइबल फाइट्स होती हैं, उस ट्राइबल फाइट में जो ट्राइब जीत जाती है वो गवर्नमेंट बना लेती है और बाकियों को भागना पड़ता है कंट्री छोड़ के, ऐसे भी देखा है बाकी सब भाग जाते हैं, अगर इथोपिया में सूडान में और ऐसी कंट्रीज में जब ये होते देखा है। यस सर, सर ऐसे तो और भी जगह जो आतंकी संगठन है या एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है उनको भी बल मिलेगा, मैं ISIS की बात करूं या फिर बोको हराम की बात करूं या फिर कुक्लक्स क्लैन की बात करूं, ये खिचड़ी चलती रहेगी, इसको किस तरीके से दूर किया जाए, सबसे पहले इनको ही खत्म किया जाए, अब इसके ऊपर जो अमेरिका या नेटो अभियान चलाएंगे उसको देखना पड़ेगा क्या करेंगे, कैसे खत्म किया जाएगा सर, एक पूरी कंट्री पर आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया है, भारत मिलिट्री एक्शन नहीं कर सकता क्योंकि ज्योग्राफिकली हम पॉसिबल नहीं। फिर सर UN का क्या काम है सर? देखिए ऐसा है, इल्यूजन है क्या ये? बिल्कुल ठीक है, लेस सेड द बेटर, यूनाइटेड नेशन रुवांडा में जो सबसे बड़ा कत्लेआम हुआ क्या हुआ है, UN की तरफ थी,
यूएन जब कश्मीर पंडितों का और था, यूएन कहाँ कोई बोल नहीं रही थी, कहीं नहीं बात करता कोई, इधर कोई ये यूएन बात नहीं करता, यूएन वही करता है जहाँ रोहिंग्या पर बड़ी जल्दी बात करती है, रोहिंग्या पर बड़ी जल्दी बात करती क्योंकि ऐसी कंट्रीज बैठी हैं जो उकसाती हैं यूएन को। तो ये अपना अपना उनका मकसद होता है, उसके हिसाब से वो बात करते हैं। पोलिटिकल बॉडी है यूएन, इज अ पोलिटिकल न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशन, नो फॉरगेट इट। जो मानव अधिकारों की बात, ह्यूमन राइट्स के, आई एम कंसर्न्ड यू कैन डू अवे विद यूनाइटेड नेशंस। ओके सर, सर अब आते हैं देश के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं अफगानिस्तान में, मेरा ये मानना है सर, आप शायद मेरी बात से इत्तेफाक रखें, मुझको ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान में तालिबान इतनी आसानी से सत्ता को ट्रांसफर इसलिए करवा पाया क्योंकि वहां के कुछ लोग उनके लिए हमदर्दी रखते हैं, वहां के लोग जो हैं वो तालिबान के लिए समर्थक हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर। अब भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करूं अगर, तो भारत में भी सर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बयानों को सुनकर आश्चर्य होता है। सर एक शायर हैं मुनव्वर राणा साहब, वो ऐसी बातें करते हैं। एक सपा से सांसद हैं संभल के शफीकुर रहमान वर्क, वो ऐसी बातें करते हैं। क्या क्या कहा क्या उन्होंने सर? जो सांसद हैं शफीकुर रहमान वर्क जो हैं, उन्होंने कहा है कि हाँ ठीक है तालिबान को बधाई, तालिबान ठीक है आ गया है, समर्थन करते हैं सर। तो मैं समर्थन पर बात कर रहा हूँ सर। ऐसा समर्थन क्यों ना करो, तालिबान की सिखाई कहाँ से आती है? देवबंद से आती है, सब देवबंदी तो हैं, या बरेलवी कहाँ से आए हैं? ये क्या अरबस्तान से थोड़ी आए हैं, सिखाई तो यहीं से गई है। तो ये लोग जो जो उनसे एफिलिएटेड है वो वैसी बात, देवबंद से स्लाइड कनेक्शन है, होगा जरूर, देवबंद की फिलॉसफी फॉलो करते हैं तो वहीं से तो होना चाहिए। अच्छा, योगी आदित्यनाथ जी जो है मुख्यमंत्री साहब, उन्होंने अब ATS देवबंद के अंदर बनवाने का फैसला किया है, ATS की एक यूनिट लगाई है, तो सही है, सब पे नजर होनी चाहिए। सर लगता है आपको कि तालिबान का स्लीपर सेल की अगर मैं बात करूं, तो तालिबान का स्लीपर सेल की तरह यहाँ भी कुछ लोग हो सकते हैं जो नहीं, हो सकते हैं, मैं देवबंद को नहीं कहता, देवबंद नहीं, मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूं, वो बिल्कुल इनोसेंट होंगे, मैं कहता हूँ वो जो अब जो गवर्नमेंट क्या सोचती है वो करने दो, हमें उनका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर स्लीपर सेल हैं, बहुत हैं, एक नहीं बहुत हैं, तभी तो आपका कश्मीर का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, तभी तो आपके इतने बड़े बड़े धमाके होते थे, 8-8 फीट घंटे गहरे गड्ढे हो जाते थे, कानपुर, जयपुर, उदयपुर, पहाड़गंज, रेलवे स्टेशन, INA मार्केट, क्या सब वो आपने आप खुद ही देखे हैं, आज से 15-18 साल पहले बच्चे रहे हैं वहाँ, इसलिए आपको पता नहीं, तो सब है, होता है, तो ये सबके स्लीपर सेल है। सर आप डिफेंस के लेवल से अगर बताएं तो राइज ऑफ तालिबान जो है वो पाकिस्तान को ताकत देगा भारत के खिलाफ, देगा सर? तालिबान जो है टेम्परेरी ऑर्गेनाइजेशन है, जो जैसे कि रशिया के खिलाफ किया था वैसे okay, होगा, और उसके बाद वो पाकिस्तान का गर्दन पकड़ेगा, उन्होंने ऑलरेडी पकड़नी शुरू कर दी है, तो वो तालिबान पाकिस्तान से खुश नहीं है, और जो तालिबान के कई फैक्शन हैं वो एंटी पाकिस्तान भी हैं, तो ये मत सोचिए कि वो बिल्कुल है प्रो पाकिस्तान, इस समय सबका एक सा फ़ायदा हो रहा है, इसलिए सब एडवांस कर रहे हैं। सर तालिबान का एक शुरुआती दौर में एक स्टेटमेंट ये भी आया था कि दुनिया में धीरे धीरे इस्लामीकरण करना, तो बहुत डरावना है सर ये देखिए कि डरावना क्या है, आज से हजारों साल पहले द वॉर ऑफ क्रूसेड्स बिटवीन क्रिश्चियनिटी एंड ये इस्लाम तक क्या था, ये वही हो रही है, उसके बाद क्या यही तो होती है। 21वीं सदी में भी ये तस्वीर हम देखेंगे, ये दिख रही है, हमारे लोग जो है ना जो अपने को ज्यादा पढ़ा लिखा सा दिखाना चाहते हैं, नो वो करेंगे, वो एग्जैक्टली यही है, एग्जैक्टली यही है, और जितने ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और जितने रिफ्यूजी जो यूरोप में जा रहे हैं वो एकदम से इस्लामाइजेशन शुरू करते हैं, जर्मनी में देखिए वो कह रहे हैं आप पोर्ट बनाइए, आप मस्जिद इधर बनाइए, वो उनका इस्लामाइजेशन शुरू हो गया है। अगर साहब आपने हजारों साल पहले की बात करी कि इस तरीके की चीज़ें हमने देखी हैं इस्लामीकरण को बढ़ाने के लिए हमले हुए दूसरी कंट्रीज़ में, हमारे देश ने भी ये सब झेला, आज 21वीं सदी में पढ़ाई लिखाई ग्लोबलाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन बाकी तमाम चीज़ें कनेक्शन बिल्डिंग इंटरनेट हर चीज़ होने के बाद भी आज वहीं तो हैं, वहीं तो हैं, क्रिश्चियनिटी वैसे ही बढ़ रही है, आपका भारत में देखिए क्रिश्चियनिटी कैसे बढ़ी है, तो वो भी तो वही है, वो दूसरी बात है क्रिश्चियनिटी तालिबान की तरह नहीं है, मारपीट नहीं करती, तो वह तो बढ़ तो रही है, उन्होंने तो असायों का फायदा उठा के किया है, सारा नागालैंड आपका क्रिश्चियन कैसे है जी सर, कैसे है क्योंकि सर ये देखिए सच्चाई है, दोनों ही धर्म के हैं ये आपस में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हिंदुइज्म धर्म ही नहीं है, हिंदुइज्म धर्म ही नहीं है, तो वो देख के वो हैरान रहता है कि कर क्यों रहे हैं जी सर, हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लिविंग लाइफ, वे ऑफ लिविंग लाइफ नहीं है, मैं मंदिर जाता हूँ, मेरे फादर मैंने कोई मंदिर जाते देखा ही नहीं उनको, तो अजीब बात है। विस्तारवादी सोच जो है इसका कोई अंत है? नहीं, विस्तारवादी जो बात है
रिलीजन इन विस्तार, रिलीजन का विस्तार इज डिफरेंट। मैं रिलीजन की विस्तार की, पॉलिटिकल विस्तार करते तो भारत सबसे बड़ा विस्तारवादी था एक टाइम। अश्वमेध यज्ञ क्या था, आप घोड़ा छोड़ते थे जो जहां तक जाएगा वो था विस्तारवाद। अब कनिष्का ने पूरे चाइना पे अख्तियार किया हुआ था, लाहौर उसकी राजधानी थी, फिर मथुरा बनी, वो क्या था विस्तारवाद। दशरथ ने कैस्पियन सी तक ऑक्यूपाई किया था, रानी केकई वहीं की तो थी, ये विस्तारवाद होता है, धार्मिक विस्तारवाद। जो धार्मिक विस्तारवाद इसलिए होता है कि जितने धर्म आप फैलाएंगे उतने लोग आपके अंडर में होंगे, उतने अंडर में लोग होंगे तो उतने लड़ने वाले तलवारें आपके हाथ में आएंगी, उतने लोग आपको वोट देने वाले बनेंगे, सपोर्ट करने वाले बनेंगे, तो आपको चाहिए क्या और? ठीक है सर, फौज भी आपकी, गवर्नमेंट भी आपकी, तो आपको यही चाहिए, और इसीलिए देखो यही होता है। ठीक है सर, कुछ लोग हमारे देश में भी हैं जो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा भटक गए हैं, ऐसी बातें सुनते हैं कि ठीक है धर्म का अगर विस्तार करेंगे तो ये सब चीज़ें। सर एक चीज़ उनके लिए अगर मैं आप क्लियर कर दें, धर्म का विस्तार करके चलिए ठीक है मिडिल ईस्ट पर आते हैं, आपने इतनी सारी इस्लामिक कंट्रीज बना ली, आखिर में क्या मिला आपको? सब आपस में ही लड़ रहे हैं, पूरा मिडिल ईस्ट जल रहा है, सब कुछ वही तो है सर। किसने बनाया मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट का चेंज किसने किया, किसने बनाया मिडिल ईस्ट? सर मैं यहाँ पर इस्लामीकरण की बात कर रहा हूँ। किसने मिडिल ईस्ट बनाया? इस्लामीकरण तो मैं बातों में बात करूंगा, यूरोप ने बनाया आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सारा नक्शा बदला, जॉर्डन का नक्शा, सबका नक्शा देख लीजिए किस तरीके से वही सुपर स्ट्रेट लाइन बन गया, वही सुपर पावर थे, सुपर पावर ने किया क्योंकि वो यहाँ पे आके एक्सप्लॉइट कर सके, अपना आर्मामेंट बेच सके और हमारे यहाँ के खनिज पदार्थ ले सके। अफ्रीका और एशिया का सबसे बड़ा जो उन्होंने विभाजन किया वो इन्होंने वेस्टर्न पावर्स ने किया, इसीलिए वेस्टर्न पावर्स ने किया, आए फिर अपना धर्म भी फैलाया साथ ही साथ, ताकि आपको तो सब लोग सपोर्टर भी बन गए उनके, इसलिए होता है। आप धर्म के एक बार बदले का बदल दीजिए, फिर वो आपके लिए लड़ेगा भी, आपको वोट भी देगा, तो आपको और क्या चाहिए? यही तो करते हैं, इसीलिए तो सबसे ज्यादा धर्म का क्या कहते हैं वितरण, वो प्रचार होता है, इसीलिए तो प्रचार होता है। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि हिंदू को समझ ही नहीं बात आती, ना तो हम किसी को हिंदू बनाते हैं ना कोई किसी को, तो हमें पता ही नहीं है, या हमें हंसी इसलिए आ रही है। सर आपने धर्म को अब राजनीति से जोड़ ही दिया है, आप राजनीति हटा दीजिए, धर्म कहीं नहीं रहेगा, धर्म और राजनीति इकट्ठी चलती है, क्योंकि सारा राजनीतिक अपने पावर लाने के लिए धार्मिक गुरु को साथ बैठाता है। अब जितने भी अब धर्म ले लिए हिंदुस्तान में, सबके सब कितने पावरफुल हैं जी सर, बिल्कुल क्यों पावरफुल हैं, और हमारी सरकार ने सिर्फ हिंदुओं के ऊपर कंट्रोल करा हुआ है बाकी पे नहीं जी सर। अब सर रोहिंग्या मुस्लिम्स जो हैं दिल्ली में धीरे धीरे पैर पसारते जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो वहाँ भी धीरे धीरे पैर पसारते जा रहे हैं, बात यह हो रही है कि वोट बैंक की वजह से इनको यहाँ पर बढ़ने दिया जा रहा है, पनपने दिया जा रहा है, वेस्ट बंगाल की भी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, जो बांग्लादेश जी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, तो रोक क्यों नहीं रहे हम? क्योंकि सर बोला जा रहा है कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं इस प्रदेश के वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री क्या भगवान है? ले देश देश के हित में एक चीज होनी चाहिए कि मुख्यमंत्री के हित में वो चीज होनी चाहिए? ये कब से बोल रहे मुख्यमंत्री, कब से लॉर्ड कृष्णा बन गए? आपके देश के हित की क्या बात है? देश के हित में मेरे को किसी को भी सेक्रीफाइस करना पड़े हमें करना चाहिए? लोग अपने बाप को मारने को तैयार हैं, अगर हमको ये क्वेश्चन पूछा गया था फॉर द सेक ऑफ द कंट्री इफ यू हैव टू शूट योर फादर, यूपीएससी में पूछा गया था मैंने, एसएसबी में, ओके सर, हाँ मैंने जवाब दिया था, यस इफ आई हैव टू सेक्रीफाइस माय फादर फॉर माय कंट्री आई विल, कंट्री कम्स फर्स्ट। हाँ तो व्हाट इज चीफ मिनिस्टर? प्रफुल्ल बख्शी साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमको टाइम दिया और हमको इतनी सारी चीज़ों पर जो ब्रीफ किया, जो हमारी जो दर्शक हैं उनको इतनी सारी चीज़ों के बारे में जो आपने क्लैरिटी दी उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। तो आज का कार्यक्रम ये था जिसपे हम लोगों ने बात की उन इश्यूज़ पर जिन इश्यूज़ पर बात होनी चाहिए, क्योंकि ऊपर की जो सतही बातें हैं वो सभी को पता है कि किस तरीके से अफगानिस्तान में क्या कुछ चल रहा है, पल पल का अपडेट सभी के पास है, लेकिन इसके पीछे क्या कुछ छिपा है उस पर बातचीत के लिए आज हमारे साथ विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब मौजूद थे और उन्होंने आपको तमाम जानकारी आप तक पहुंचाई। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।